बेमेतरा जिला पूर्णतः कृषि ऊपर निर्भर है। एकर बावजूद भी बेमेतरा जिला में सिंचाई के व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यहाँ के किसान पूर्णतः भूजल और वर्षा में ही निर्भर होके खेती करते। क्षेत्र में विगत 4 से 5 साल ले लगातार होवत कम बारिश और भूइया के पानी के अधिक दुरुपयोग के कारण जिला में लगातार जल स्तर में गिरावट हो है। ऐसे में जिला में लगातार धान के रकबा बढ़े ले जिला के भूजल में और भी कमी आ गए है। मौसम के बेरुखी हा किसान मन के चिंता ला बढ़ा दे है। आप ला बता दन के पाछू साल के अपेक्षा ईदारी बहुत कम वर्षा हो है। उहे साल धान के रकबा मा 20 से 25% के बढ़ोतरी हो गए है। ऐसन मा पानी के उपयोगिता तको अधिक होही। लेकिन जैसन मौसम के बेरुखी जिला मा देखे ला मिलत है, ऐसे मा किसान मन के चिंता बाढ़ गए है। जानकार मन के मानता अगर एक हफ्ता के अंदर बने ले वर्षा नहीं होही तो जिला मा अकाल के स्थिति निर्मित होही। अभी एक सप्ताह से जो ड्राई स्पेल आया है, बारिश रुक गया है, तो पानी की कमी तो है पर नुकसान अभी वर्तमान में नुकसान की स्थिति नहीं है। और यही स्थिति अगर एक सप्ताह तक बनी रहती है तो फसल में नुकसान की शुरुआत हो जाएगी। धान को ही शुरुआत होगी क्योंकि सोयाबीन दलहन तिलहन क्रॉप है तो निश्चित रूप से उसका जड़ नीचे तक जाता है। और अभी जो देखने में आ रहा है फसल की स्थिति बहुत अच्छी है सोयाबीन की, दलहन तिलहन में उतना नुकसान की स्थिति नहीं होगी। नुकसान की स्थिति धान में होगी, वो भी जहाँ तक छिड़कावा जहाँ बोया गया है क्यों लाइन स्विंग जहाँ बोए वहाँ पर नुकसान की स्थिति कम होगी क्योंकि उसका जड़ नीचे गहराई तक रहता है तो नमी ज़्यादा नीचे से खींच पाता है। वो छिड़कावा विधि से जो धान बोया गया उसमें नुकसान की स्थिति अगर एक सप्ताह और बारिश अगर नहीं होती है तो स्थिति बन सकती है। टोटल सभी क्रॉप मिला के लगभग 80% स्विंग हो गई है और जो एरिया बचा हुआ है वो रोपा का है। बेमेतरा ले टुमेश कुमार जायसवाल के रिपोर्ट।